हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्नो मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एमएस एक्सेल को मोबाइल के ऊपर कैसे चला सकते हो। तो बेसिकली इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एक्सेल टाइप कीजिए, ये वाला एप्लीकेशन है एक्सेल का, तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। 66 MB की ये एप्लीकेशन है, तो थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता है। अगर आप जियो वगैरह यूज़ करते हो तो हो सकता है कि फास्ट में भी आपका डाउनलोड हो जाए। बेसिकली होता क्या है कि आप कंप्यूटर में तो एमएस एक्सेल आसानी से यूज़ कर लेते हो, बट यूज़ करने की बात अगर फ़ोन में आती है तो आप थोड़ा झिझकते हो, क्योंकि यार फ़ोन में छोटी सी स्क्रीन होती है और उसमें पूरा फंक्शन यूज़ करना। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपको काफ़ी आसानी से सिखा दूँगा कि फ़ोन के ऊपर में काफ़ी अच्छे से एमएस एक्सेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज़ करना, तो यार उसमें आपको पूरा पैकेज मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको स्पेशली एक्सेल मिलता है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पर अलाउ का कुछ ऑप्शन मांगता है, तो इसे हम अलाउ कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमिंग एंटर कर रहे हैं एमएस एक्सेल के ऊपर में, तो यहाँ पर यार थोड़ा सा टाइमिंग या डिले हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आ चुका है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है साइन इन करने का, अपने ईमेल या फ़ोन नंबर वगैरह से कुछ से भी। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि आप जो है अगर इससे साइन इन कर लेंगे तो आपका जो डाटा है वो आप किसी भी कंप्यूटर वगैरह में जो है ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। तो यहाँ पर आप साइन इन भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर साइन इन लेटर का ऑप्शन है, तो इस पर आप टैप कर दीजिए। यहाँ पर वही चीज़ है, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर फ़िलहाल मुझे साइन इन नहीं करना है, मैं बाद में कर लूँगा यार, या फिर अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिल रहा है, इस पर बेसिकली आप टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन आ जाता है कि किस तरीके से आप जो है एम एस एक्सेल में क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, जैसे फैमिली बजट हो गया, लोन कैलकुलेटर हो गया, पर्सनल बजट हो गया, या फिर मैनेज माय मनी हो गया, या फिर ट्रैक माय टास्क हो गया। तो ये सारे चीज़ों का ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल मैं ब्लैंक लेने वाला हूँ, तो इस पर मैं टैप कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर टैप किया यार, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है और मैं यहाँ पर गॉट इट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि छोटे छोटे सेल्स बने हुए आ चुके हैं। अब जिस पर भी आप टैप कीजिएगा वो सेल्स आपका सिलेक्ट होता चला जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप टैप कर दीजिए और इस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यार ऑप्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल दैट्स मैं लिख देता हूँ 10 और इसके नीचे लिख देता हूँ सेकंड वाले ऑप्शन में डबल बार टैप करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20। और जैसे ही मैंने लिख दिया तो ये हो चुका है। अब बेसिकली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, तो फिलहाल अगर आप जो है यहाँ पर टैप करते हैं तो इससे आपको अगर नेक्स्ट वाले मतलब कॉलम में यानी कि सेल्स में जाना है, तो सबसे ऊपर में जो कॉर्नर पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में मिल रहा है इस पर आप कीजिए। तो ये बेसिकली एक टैप बटन है, और ठीक इसी तरीके से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर से शीट, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपको एम एस एक्सेल में 3-4 शीट मिल जाती है, यहाँ पर फिलहाल एक शीट है, लेकिन अगर आप प्लस के आइकन पर टैप कर देते हैं तो आपको दूसरी शीट्स भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए और अगर इंटर करना है तो यहाँ पर जो नीचे में ऑप्शन है इस पर आप टैप कीजिएगा, तो ये इंटर होता चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको इसके अंदर में एडिशन करना है, एडिशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक एफएक्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो बेसिकली आपको इस एफएक्स पर टाइप कर देना है एक बार। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे में फॉर्मूला मिल जाएंगे, जैसे टेक्स्ट हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, मैथ स्ट्रिंग हो गया, स्टैटिक्स का हो गया, डाटाबेस, और भी बहुत सारे फार्मूला है। बट सिंपली अगर आपको एडिशन, एवरेज और काउंट करना है तो आप यहाँ पर ऊपर में शो कर रहा है सम, इस पर आप टैप कर सकते हैं। जैसे ही आपने सम पर टैप किया तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और जितना सा आपको लेना है उतना सा ले लीजिए। आप लोगों को एक्सेल का फॉर्मूला मालूम होगा कि सम करना होता है तो इक्वल टू सम अंडर ब्रैकेट A1:A2, यानी कि जहाँ तक आप लेना चाह रहे हैं वहाँ तक आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सही के निशान पर टैप कर देना है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी आसानी से यार यहाँ पर जो है एम एस एक्सेल के अंदर में एडिशन हो चुका है। अब आती है बात कलर की, तो अगर आप चाहते हैं ये सबको कलर करना, फॉर एग्जांपल दैट मैं अगर चाहूँ इसे कलर करना, तो ये भी मैं काफ़ी आसानी से कर सकता हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक बार इस पर आपको टैप कर देना है और यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंज वगैरह तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया ही, साथ में अगर आप मर्ज वगैरह करना चाहते हैं या फिल कलर करना चाहते हैं या फिर बॉर्डर देना चाहते हैं। कई लोगों ने यार मुझसे क्वेश्चन किया था कि भाई एक्सेल में बॉर्डर कैसे दें,
तो इसके अंदर वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फॉन्ट कलर जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग्स वगैरह का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, तो आप अगर चाहें तो वो ग्रीन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेल्स फिल करना चाहते हैं तो वो भी यार आप कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, यहाँ पर आपके सेल्स भी फिल हो जाएंगे, जो यार एक अट्रैक्टिव और कमाल का लुक लगेगा। यहाँ से बोल्ड इटैलिक वगैरह भी आप जो है कर सकते हैं अपने फॉन्ट को, और यहाँ से जो फॉन्ट की जो लैंग्वेजेस है वो भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है, तो इसमें यार देख लो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मेरे ख्याल से इसके अंदर में यार हिंदी भी आपको मिल जाता है, तो अगर आप यार हिंदी में लिखना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर में लिख सकते हो। हालांकि यहाँ पर मुझे हिंदी का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि इसमें आपको हिंदी भी देखने को मिल जाए, तो आप बेसिकली हिंदी में भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हिंदी का ऑप्शन है या नहीं है, और अगर नहीं भी होगा तो मैं यार आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो हिंदी को MS Excel के अंदर में। तो यहाँ पर यार हिंदी का तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन तो नहीं है, बट यार मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है हिंदी, अगर आप एक्सेल के अंदर में यार हिंदी में भी टाइपिंग करना चाहते हो तो। फिलहाल आपको यहाँ पर फॉन्ट का डिज़ाइन वगैरह मिल जाएगा, तो आप काफ़ी आसानी से फॉन्ट के डिज़ाइन वगैरह को चेंज कर सकते हो। कुछ भी अगर आप यार लिखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, डबल टैप सिंपली कर लो। फॉर एग्जांपल दैट मैं यहाँ पर टोटल लिखना चाहूँ तो टोटल भी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर कुछ भी यार लिख सकता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है यार यहाँ पर चार्ट का, और फिर आप जो भी बोल सकते हो कि आपको अगर बॉर्डर्स वगैरह देने हैं, या फिर रैप टेक्स्ट करना है, या फिर सेल्स के जो स्टाइल हैं वो कैसे, या फिर नंबर्स फॉन्ट वगैरह आपको किस तरीके से करेंसी वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि करेंसी वगैरह का भी ऑप्शन आ जाता है, तो करेंसी वगैरह भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि डाल सकते हो इसके अंदर यार। इंसर्ट एंड डिलीट का भी ऑप्शन है, तो किसी को आप डिलीट करना चाहते हो या फिर क्लियर करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। रेंज सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी, अब इतनी बड़ी शीट है यहाँ पर आप कुछ खोजना चाहते हो तो फाइंड पर आप टैप कर दो और यहाँ पर कुछ भी लिख दो यार, वो ऑटोमेटिकली फाइंड करके डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से यार काफ़ी आसानी से है, आप जो है नई शीट भी यहाँ पर बना सकते हो, जैसे कि इस प्लस के आइकन पर टैप करो तो यहाँ पर 3 शीट आपको मिल जाएगी, तो आप यार जिस पर चाहो उस पर काम कर सकते हो, और यहाँ तक भी पूरा यार यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो काफ़ी आसानी से आप इसमें वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लें रिव्यूज़ की, या व्यूज़ की, या डाटा वगैरह की, या फिर ड्रॉ या इंसर्ट की। तो इंसर्ट के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर यार आपको पिक्चर्स, टेबल्स, या फिर शेप्स, मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप के शेप्स चाहिए तो ये शेप तो आप यार यहाँ पर कर सकते हो, और इसे यार छोटा या बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और आप चाहो तो इसे यार कलर ग्रेडिंग्स भी कर सकते हो। फिल करना है बस सिंपली यहाँ पर टैप करो, आउटलाइंस वगैरह भी चेंज कर सकते हो, कलर मान लीजिए ब्लैक करना है, आउटलाइंस यार ब्लैक हो जाएगी, फिर से आप यहाँ पर टैप कीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉ का ऑप्शन है, तो पेन से भी आप अगर कुछ चाहते हो ड्रॉ करना, या फिर माउस वगैरह से ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। थिकनेस वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगी, तो काफ़ी आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूलेज की बात कर लें तो यहाँ पर आपको यार ढेरों सारे फॉर्मूला भी मिल जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैंने किसी को सिलेक्ट करके नहीं रखा, जैसे ही मैं रेंज को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर डेट टाइम सारा चीज़ का फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाएगा। रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो रिव्यूज़ भी देख सकते हो, व्यूज़ अगर करना चाहते हो तो ग्रिड लाइंस क्या क्या चीज़ आपको होनी चाहिए, हेडिंग्स वगैरह भी अगर आप लिखना चाहते हो तो वो भी यार यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप काफ़ी अच्छे से ड्रॉ वगैरह भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको नहीं आने वाली। देख सकते हो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कुछ भी आप यार एक्सेल के ऊपर में ड्रॉ कर सकते हो काफ़ी आसानी से, और यहाँ पर इरेजर भी है, तो अगर आप चाहो तो यार यहाँ पर से ये सारे चीज़ों को मिटा भी सकते हो। तो MS Excel को यार यूज़ करना काफ़ी ही आसान है, आप अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो MS Excel को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर में। फॉन्ट की जो साइज़ वगैरह है वो भी यहाँ से यार चेंज हो सकती है, आप चाहो तो उसे भी चेंज कर सकते हो, हेडिंग्स वगैरह काफ़ी आसानी से दे सकते हो। और मैं यार इसमें कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी लैंग्वेजेस भी मिल जाए, उसके लिए भी मैं ध्यान दूंगा कि इसमें किस तरीके से हिंदी लैंग्वेज को इंस्टॉल किया जाता है, वो भी मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा। अब मान लीजिए आपको इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है जो आपने बनाया है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इधर जो 3 डॉट सबसे ऊपर में दिख रहा है इस पर आपको टैप करना है और सेव एज पर टैप कर देना है।
तो यहाँ पर वन ड्राइव्स का भी ऑप्शन है। अगर आपने साइन इन कर रखा है तो आप वन ड्राइव्स में सेव कर लीजिए, तो फिर आप किसी भी कंप्यूटर में से ऑनलाइन की सहायता से लॉग इन करके जो है आप एडिट वगैरह कर पाएंगे या फिर आप इसे रिकवर कर पाएंगे। और अगर दिस डिवाइस कर देते हैं तो ये इस डिवाइस में ही सेव हो जाएगा, स्टोरेज के अंदर में या फिर डाउनलोड्स के अंदर में। तो आप बेसिकली जिसके अंदर में सेव करना चाहते हैं बस क्लिक करके यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए, तो ये बेसिकली सेव हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को यार लाइक कर देना, और अगर आपको एमएस एक्सेल की डिटेल्स चाहिए, पूरी डिटेल्स में एक चाहिए आपको वीडियोस, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो डालूँ एमएस एक्सेल से रिगार्डिंग तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।